प्यारे बच्चों, आज सुनो हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 का एक पाठ। कविता पर आधारित इस पाठ का शीर्षक है पड़क्कू की सूझ। सबसे पहले सुनते हैं ये कविता पाठ। एक पड़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। जहां ना कोई बात, वहां भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे बड़े फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद ये कैसे। कोल्हू का ये बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है। रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने ये कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है। नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। जब तक ये बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ। हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। कहा पड़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे। बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए। चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला के, पड़क्कू जाओ। सीखा है ये ज्ञान जहां पर, वहीं इसे फैलाओ। यहां सभी कुछ ठीक ठाक है, ये केवल माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। अब इसी कविता को सुनते हैं आप जैसे ही एक प्यारे से बच्चे की आवाज में। इस कविता पाठ को कुछ छोटे बच्चे भी दोहराते हैं, आप भी दोहराना ठीक है। तो सुनो ये कविता। एक पड़क्कू बड़े तेज थे, एक पड़क्कू बड़े तेज थे। तर्क शास्त्र पढ़ते थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। जहां न कोई बात, जहां न कोई बात, वहां भी नई बात गढ़ते थे, वहां भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, एक रोज वे पड़े फिक्र में। समझ नहीं कुछ पाए, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, बैल घूमता है कोल्हू में। कैसे बिना चलाए, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, कई दिनों तक रहे सोचते। मालिक बड़ा गजब है, मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को रखा इसने, सिखा बैल को रखा इसने। निश्चय कोई ढब है, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से, आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, पूछा उसने ऐसे। अजी बिना देखे लेते तुम, अजी बिना देखे लेते तुम। जान भेद ये कैसे, जान भेद ये कैसे। कोल्हू का ये बैल तुम्हारा, कोल्हू का ये बैल तुम्हारा।
चलता या अड़ता है, चलता या अड़ता है, रहता है घूमता खड़ा हो, रहता है घूमता खड़ा हो, या पागुर करता है, या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा अजी, मालिक ने ये कहा अजी, इसमें क्या बात बड़ी है, इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में, नहीं देखते क्या गर्दन में, घंटी एक पड़ी है, घंटी एक पड़ी है, जब तक ये बजती रहती है, जब तक ये बजती रहती है, मैं न फिक्र करता हूँ, मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़ कर, हाँ जब बजती नहीं दौड़ कर, तनिक पूछ धरता हूँ, तनिक पूछ धरता हूँ, कहाँ पड़क्कू ने सुनकर, कहाँ पड़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें, बेवकूफ मंतिक की बातें, समझ सकोगे थोड़े, समझ सकोगे थोड़े, अगर किसी दिन बैल तुम्हारा, अगर किसी दिन बैल तुम्हारा, सोच समझ अड़ जाए, सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा, चले नहीं बस खड़ा खड़ा, गर्दन को खूब हिलाए, गर्दन को खूब हिलाए, घंटी टुन टुन खूब बजेगी, घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल, मगर बूंद भर तेल, सांझ तक भी क्या तुम पाओगे, सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला, मालिक थोड़ा हंसा और बोला, के पड़क्कू जाओ, के पड़क्कू जाओ, सीखा है ये ज्ञान जहाँ पर, सीखा है ये ज्ञान जहाँ पर, वहीं इसे फैलाओ, वहीं इसे फैलाओ, यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक, बैल हमारा नहीं अभी तक, मंथिक पढ़ पाया है, मंथिक पढ़ पाया है। अब इसी कविता को सुनते हैं संगीत के साथ। बैल घूमता है कोलू में कैसे बिना चलाए, कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसमें निश्चय कोई ढब है। अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद ये कैसे, ओलू का ये बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने ये कहा अजी, इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है, जब तक ये बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़ कर तनिक पूछ धरता हूँ। कहा पड़क्कू ने सुनकर
तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए, घंटी टुन टुन खूब बजेगी तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वही इसे फैलाओ, यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है यह केवल माया है, यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है। पड़क्कू की सूझ। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर मंजुला माथुर, पाठ समन्वय डॉक्टर लता पांडे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर, संगीतकार संतोष कुमार, गायन स्वर देवाशीष अनुजा बिसारिया और बच्चे, वाचन स्वर सुचित्रा गुप्ता, तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार, तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।